सो गाइस, आज से मैंने एक दिन पहले आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को देसी गेमर यानी कि हमारे अमित भाई का एक ऐसा फ्रेंड का स्टोरी सुनाऊंगा जो कभी अमित भाई के साथ गेम खेला करता था, लेकिन अब वो बंदा बिल्कुल अकेला पड़ चुका है, उसको अब गेम खेलने का मन तक नहीं करता। और इसी के साथ आज मैं आप लोगों को टू साइड गेमर यानी कि ऋतिक और जस भाई के एक ऐसा कस्टम खेलने वाले दोस्त से मिलाने वाला हूं जो कभी टू साइड गेमर के साथ गेम खेला करता था, लेकिन अब बेचारे के आईडी के साथ कुछ ऐसा हो चुका है जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएगी। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, ये हमारा अमित भाई का 2017-18 का क्लिप जिसमें कि अमित भाई अघोरी गेमिंग अनूप भाई यानी कि अमित भाई के बड़े भाई और साथ ही साथ इस बंदे के साथ गेम खेल रहे थे। लेकिन इसी टाइम यहाँ पे कुछ बंदे आ जाते हैं और अमित भाई को मार के चले जाते हैं। अब यहाँ पे आपको संसक नाम का एक बंदा दिख रहा होगा जो कि अमित भाई का सबसे पुराना दोस्त है और तब अमित भाई का सिर्फ 10-12 ही वॉचिंग आता था। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसका प्रोफाइल दिखा देता हूँ, देन फिर इसका पूरा स्टोरी सुनाता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि बंदा अभी भी एक्टिव है, मतलब कि इसने गेम क्विट नहीं किया है। और तो और ऊपर से ये बंदा ऑनलाइन भी है। इसकी प्रोफाइल की बात करें तो इसके पास से समुराई बंडल, टाइटन स्कार प्लस यहाँ पे लेवल और लाइक भी देख सकते हो जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन भाई आप लोग इसका इलाइट पास बैजेस पे गौर करो, ये बंदा बहुत पहले से ही सभी के सभी इलाइट पास लेते हुए आया था, बट अब इसने इलाइट पास लेना ही छोड़ दिया है। लगातार इसने 3 सीजन का इलाइट पास नहीं लिया है। आप लोगों को ये चीज बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होगा, बट मेरे भाई आप लोग इसका जब पूरा स्टोरी सुनोगे तो आप लोगों की आंखों पे आंसू आ जाएगी। सो बात है आज से 4 साल पहले की, तब शंकर यानी कि संसग, इसका ओरिजिनल नाम शंकर है। एंड शंकर एक बहुत ही अमीर घर से बिलोंग करता था। इसने ना जाने अपने मम्मी पापा का पैसा कितना उड़ाया है, और तब यह 8 क्लास में पढ़ाई करता था। एंड जब भी यह स्कूल जाता था तो हर दिन बहुत सारा पैसा लेके जाया करता था, क्योंकि इसको स्वैप करना बहुत ज्यादा पसंद था। तो ये हमेशा स्कूल पे बहुत सारा पैसा लेके जाया करता था और अपने दोस्तों को दिखाया करता था। एंड इसके दोस्त भी इसी का फायदा उठाया करते थे, और ज्यादा से ज्यादा फायदा तो अमीर उठाया करता था जिसने मुझे ये स्टोरी सुनाया। और तब अमीर और शंकर बहुत ज्यादा मिलने वाले दोस्त थे, तो जब भी दोनों साथ में स्कूल जाया करते थे तो अमीर शंकर से कुछ पैसे उधार के नाम पे मांग के अपना स्कूल जाया करता था, क्योंकि तब दोनों का ही स्कूल अलग अलग जगह पे था लेकिन एक ही रास्ते से होके दोनों को स्कूल जाना पड़ता था। फिर एक दिन ऐसा आया जिस दिन अमीर भी शंकर को कहने लगा कि भाई मुझे भी तेरे स्कूल पे पढ़ना है, तू एक बार टीचर को बोल के देखना। तब शंकर ये सुन के काफी खुश हुआ और वो कहने लगा कि तू पहले अपने मम्मी पापा को पूछ ले, फिर जाके मैं अपने टीचर को पूछता हूँ। लेकिन अमीर कहता है नहीं भाई, मैंने पहले अपनी मम्मी को पूछा है और उन्होंने जैसा तेरा मर्जी वैसा ही कहा है। तब इतना सुनते ही शंकर अपना स्कूल आया और सीधा ऑफिस रूम में जाकर टीचर को कहा कि सर मेरा एक दोस्त हमारा स्कूल पे पढ़ना चाहता है, क्या उसको एडमिशन मिल सकती है। अब टीचर कहते हैं बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन फाइनल एग्जाम होने के बाद ही उसको एडमिशन मिल सकती है। फिर इतना सुनने के बाद शंकर अपना क्लासरूम पे आया और वो आराम से बैठ के पढ़ाई करने लगा। फिर ऐसे ही करते करते छुट्टी भी हो गई, और जैसे छुट्टी हुई तो शंकर आधी रास्ते पे अमीर का वेट करने लगा, और करीब आधा घंटा तक वेट करने के बाद अमीर भी अपना स्कूल से आ गया। तब दोनों ही साथ में बातें करते हुए अपना घर जाने लगे। तब शंकर अमीर को कहता है कि भाई तू जैसे ही फाइनल एग्जाम देगा वैसे ही तू मेरे साथ हमारा स्कूल आना, तेरा एडमिशन हो जाएगा, मैंने टीचर से बात कर लिया है। फिर इतना सुनते ही अमीर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर ऐसे ही करते करते फाइनल एग्जाम भी आ गया। तब दोनों ने अपना अपना स्कूल से 9th क्लास पास कर लिया। एंड जैसे अमीर ने पास किया तो 9th में वो एडमिशन कराने शंकर के स्कूल पे आया और वहाँ पे उसको एडमिशन भी मिल गई। और एडमिशन मिलने के बाद दोनों ही काफी ज्यादा मिलजुल के स्कूल जाने लगे, और करीब 3 महीने तक लगातार स्कूल जाने के बाद अमीर शंकर को बहुत उत्साहता है कि भाई हमारे गांव में तो सभी बंदों के पास नया नया फोन है और वो लोग फ्री फायर खेलते हैं, तुम लोग तो यार इतना अमीर हो फिर भी तेरे पास फोन नहीं है। फिर इतना सुनते ही शंकर अमीर को कहता है कि भाई तू चिंता मत कर, मैं कल ही स्कूल पे नया फोन खरीद के लाऊंगा। फिर उस दिन जैसे स्कूल छुट्टी हुई तो अमीर शंकर को उसकाते हुए ले जाने लगा, और फिर जैसे शंकर अपना घर पहुंचा तो वो मम्मी को कहने लगा कि मम्मी अब मैं तो 9th क्लास में पहुंच चुका हूं तो मुझे नया फोन चाहिए। अब इतना सुनते ही शंकर की मम्मी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एक डंडा उठा के शंकर को कहती है कि तूने क्या बोला, अभी तो तू 9th क्लास में है और तुझे फोन चाहिए, शर्म नहीं आती। लेकिन शंकर कहां मानने वाला, वो तो अपनी मम्मी से झगड़ा करने लगा। और जब शंकर के पापा घर आ गए तो शंकर वहां से भाग गया और रात भर छुपा रहा। फिर इतना रात तक अपने बेटे को ना देख के शंकर की मम्मी चिल्लाते हुए कहने लगी कि शंकर तू घर आ जा, कल मैं तुझे नया फोन दिला दूंगी। अब ये बात जैसे शंकर ने सुना तो शंकर अपना घर आ गया और दूसरे ही दिन उसको नया फोन मिल गई। फिर जब फोन मिली तो शंकर उस फोन को छुपा के स्कूल भी ले जाने लगा और फ्री फायर डाउनलोड करके अमीर के साथ खेलने लगा। मतलब अमीर का तो फोन नहीं था, बस दोनों ही एक ही फोन में बारी बारी करके गेम खेलते थे। फिर एक दिन ऐसा आया जिस दिन शंकर को अमित भाई यानी कि देसी गेमर का लाइव स्ट्रीम मिला और उनका वॉचिंग सिर्फ 10-12 ही आ रहा था। फिर जब शंकर ने अमित भाई को मैसेज किया तो अमित भाई काफी अच्छी तरीके से शंकर को रिप्लाई करने लगे और हर मैसेज का रिप्लाई देने लगे। अब ये सब देख के शंकर को बहुत खुशी हुई और वो कहता है कि भाई मुझे भी साथ में गेम खिलाओगे क्या। तब अमित भाई हाँ बिल्कुल खिलाऊंगा कहते हैं, क्योंकि तब अमित भाई के सब्सक्राइबर 5K थे, बट कंटेंट स्विच करने के वजह से उनका वॉचिंग सिर्फ 10-12 ही आ रहे।
रहे थे और वो पहले अपने चैनल पे कॉमेडी की वीडियो डाला करते थे, तो अचानक से फ्री फायर की वीडियो डालने की वजह से उनका चैनल पूरा डाउन हो गया था। फिर ये सब बातें करते करते अमित भाई शंकर के साथ गेम खेलने लगे, लेकिन इधर शंकर ने स्कूल जाना, आमिर के साथ दोस्ती करना सब कुछ बंद कर दिया क्योंकि उसको गेम खेलने में बहुत मजा आ रहा था। और ये सब देख के शंकर के घर वाले भी कुछ भी नहीं कहते थे क्योंकि शंकर घर का एक लौता लाडला बेटा था और इसी कारण वो गेम में बहुत ज्यादा एडिक्ट हो गया एंड दिन ब दिन टॉपअप करने लगा। और गेम खेलते खेलते शंकर की गेम प्ले इतना ज्यादा इम्प्रूव हो गई कि अमित भाई भी खुद कहने लगे कि भाई तू एक स्पोर्ट टीम खोल ले और वहाँ से अपना अच्छा टीम बना के टूर्नामेंट खेल ले। तब शंकर ने एप स्पोर्ट नाम का एक स्पोर्ट टीम खोला और वहाँ पे अच्छे अच्छे बंदे ऐड करने लगा। फिर इधर शंकर अपना टीम में बिजी हो गया और उधर अमित भाई अपना कॉन्टेंट में बिजी हो गए, तब दोनों की दोस्ती टूट गई। और फिर शंकर थोड़ी बहुत लोकल टूर्नामेंट खेलने लगा, लेकिन टीम अच्छा ना होने के कारण शंकर नहीं जीत पाया और बाद में अपने सभी बंदों को निकाल दिया। तब ये सब देख के शंकर काफी ज्यादा डिमोटिवेट फील करने लगा, लेकिन यहाँ तक तो सीन ठीक ठाक था। पर जैसे गेम में रियर आइटम रिटर्न आने लगे तो इसने अब टॉपअप करना, इलाइट पास लेना सब कुछ बंद कर दिया है और इसने कहा है कि अगर टाइटन स्कर फिर से रिटर्न आके सभी बंदों के पास हो जाता है तो मैं बिना कुछ सोचे समझे गेम क्विट कर दूंगा। और इसी वजह से शंकर ने अब बिल्कुल भी टॉपअप करना बंद कर दिया है। तो ये रहा शंकर का पूरा स्टोरी एंड देखा आपने रियर चीज वापस आने की वजह से कितने पुराने प्लेयर गेम को क्विट कर रहे हैं। एक तरफ से देखा जाए तो ये अच्छी भी चीज हो रही है क्योंकि हमारा फ्री फायर में आईडी सेलिंग भी बंद हो रहा है, लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो हमारे फ्री फायर में काफी पुराने प्लेयर काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं और गेम को क्विट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आप कमेंट में जरूर से बताना। तो अब मैं आप लोगों को टू साइड गेमर का एक ऐसा फ्रेंड से मिलाने वाला हूँ जिसको कभी टू साइड गेमर खुद कस्टम खेलने के लिए बुलाया करते थे क्योंकि ये बंदा बहुत ही अच्छा गेम खेला करता था, मतलब कि इसका गेम प्ले एकदम ही गॉड लेवल था और इसको उस टाइम पे कोई ना पहचानने वाले बंदे कोई थे ही नहीं। मतलब जिस तरीके से ज्ञान गेमिंग के चैनल पे राइस स्टार फेमस हो रहा था सेम उसी तरीके से ये बंदा टू साइड गेमर के चैनल पे फेमस हो रहा था, लेकिन इसको टू साइड गेमर ने एक छोटी सी गलती की वजह से हमेशा के लिए निकाल दिया। सबसे पहले तो आप लोग ये वाला क्लिप देख लो जो कि काफी पुराना क्लिप है एंड तब हमारा फैक्ट्री कुछ ऐसा हुआ करता था और ये कस्टम गेम प्ले है जिसमें कि टीएसजी जस भाई खेल रहे थे और टीएसजी ऋतिक भाई कमेंट पढ़ रहे थे। और अब यहाँ पे देखना एक बंदा किस तरीके से जस भाई को मार देता है, ये देखो एक की मुक्के पे इसने मार दिया एंड इसका गेम में नाम सीके है। तो अब मैं आप लोगों को इसका प्रोफाइल दिखा देता हूँ जो कि यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो। बंदे की आईडी ऑफलाइन पड़ी है और ये एक दो दिन से ऑफलाइन नहीं पड़ी है बल्कि कई महीनों से ऑफलाइन पड़ी है। बाकी इसका आप लोग प्रोफाइल देख सकते हो, टॉप इनक्यूबेटर का M1014 है, ब्रेक डांसर बंडल है। लेवल और लाइफ की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, ये भी काफी ठीक ठाक है, मतलब बंदा काफी प्रो था। सो अब सवाल ये उठता है कि बंदा को टू साइड गेमर ने क्यों निकाल दिया। वैसे ये बंदा टू साइड गेमर के गिल्ड में तो नहीं था, लेकिन हमेशा ये बंदा टू साइड गेमर के कस्टम खेला करता था, लेकिन एक दिन ऐसा आया जिस दिन टू साइड गेमर ने इसको कस्टम खिलाने से एकदम से ही बंद कर दिया। तो हुआ ये था कि ये बंदा हमेशा टू साइड गेमर के कस्टम खेला करता था और ज्यादातर टू साइड गेमर ही इसको इनवाइट किया करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया जिस दिन टू साइड गेमर ने कहा कि जो भी बंदा कस्टम को विन करेगा उसको प्राइज मिलेगा। अब ये सुनते ही सीके ने अपने ही दो तीन बंदों को कस्टम में घुसा लिया और सबसे पहले जस भाई को मार दिया। तो जस भाई को ये सब देख के काफी गुस्सा आया एंड हमेशा के लिए सीके को कस्टम से बैन कर दिया। अब सीके को बहुत बुरा लगा क्योंकि यार उसकी छोटी सी एक गलती की वजह से जस भाई ने उसको हमेशा के लिए बैन कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है जिसको भी बुरा लगेगा। और फिर ऐसे ही करते करते सीके अपने गाँव के दोस्तों के साथ गेम खेलने लगा। तो सीके का एक दोस्त अपने फ्री फायर आईडी पे हैक यूज करता था, तो एक दिन उसने सीके को बिना बताए सीके की आईडी पे हैक यूज कर दिया, मतलब कि जो इंजेक्टर नाम का हैक होता है ना उसी को यूज कर दिया। तो इसी के कारण सीके की एक महीने बाद आईडी बैन हो गई। तब सीके ये सब देख के बहुत ज्यादा रोने लगा, लेकिन उसको एक आईडी मिल गई जिसमें वो आज के टाइम पे गेम खेल रहा है। तो ये थी सीके की पूरी स्टोरी एंड मैंने आप लोगों को शंकर की भी पूरी स्टोरी सुना दी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर से बताना एंड इसी के साथ अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई कर दो यार, कुछ भी नहीं जाता। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना रहा, बाय।